हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप लोग बिंग अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट बिंग अकाउंट देख सकते हो। सबसे पहले आपको आ जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आने के बाद बिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जस्ट इसको ओपन करना है। अब जैसे आप लोग ओपन करते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। पहले आपसे यहाँ पर कुछ परमिशन मांगा जाएगा, तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन वाले परमिशन को अलाउ करना है। उसके बाद गेट स्टार्टेड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पर आ जाना है। होम पे आने के बाद आपको क्या करना है कि ऊपर इस तरीके का आइकन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप लोग इस वाले इंटरफेस पे आ जाते हो तो आपको यहाँ पे टैप टू साइन इन का ऊपर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो जस्ट आपको टैप टू साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का ऑप्शन आता है, जहाँ पे साइन इन लिखा हुआ है ब्लू लाइन से, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अगर आपने पहले से कोई अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो उसको यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। अगर आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करना है तो क्रिएट वन का नीचे ऑप्शन देखने को मिला हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे इतना करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप लोग ईमेल से अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ईमेल डाल देंगे। अगर फ़ोन नंबर से अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे फ़ोन नंबर पे क्लिक करके फ़ोन नंबर आप लोग अपना डाल देंगे। लेकिन हम यहाँ पे ईमेल से डालने वाले हैं, सो यहाँ पे क्या करते हैं, अपना ईमेल यहाँ पे डाल लेता हूँ। ईमेल डालने के बाद जस्ट नेक्स्ट का नीचे ऑप्शन देखने को मिलता है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सो यहाँ से आपको कोई भी एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद फिर से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे आपका नाम एंड सरनेम डाल देना है। नेम एंड सरनेम डालने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको अपना रीजन यानी कंट्री सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग इतना करते हो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने जो भी ईमेल डाला है उस ईमेल पे कोड जाएगा, या फिर अगर आप लोग मोबाइल नंबर डाले हैं तो मोबाइल नंबर पे कोड जाएगा। तो उस कोड को यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद फिर से आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसा आप लोग इतना करते हो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। लेकिन मेन प्रॉब्लम आपको कहाँ पे आता है अकाउंट क्रिएट करते समय, यहाँ पे आपको इसको बहुत ध्यान से देखना होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सबसे ऊपर देखो लिखा हुआ क्या है, यूज़ द एरो टू रोटेट द ऑब्जेक्ट टू द फेस इन द डायरेक्शन ऑफ द हैंड। ये हैंड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में हमारा ये भी फोटो होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ मैच दिस एंगल। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एरो का ऑप्शन मिलता है, एरो पे क्लिक कर करके देखेंगे कि किस डायरेक्शन में ये जाता है। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि जिस डायरेक्शन में हमारा हैंड है उसी डायरेक्शन में हमारा ये भी आ चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलता है, नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे अगर हमारा ये वेरीफिकेशन कम्प्लीट हो जाएगा तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा एंड आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट भी हो जाएगा। आपके सामने एक बार भी आ सकता है या फिर दो बार भी पजल को सॉल्व करने का ऑप्शन आ सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा देर वेट करेंगे तब तक ये लोडिंग होगा। तब तक आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरीके के वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती है। अभी देख सकते हो कि हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब आप लोग इस एप्लीकेशन की मदद से कोई भी फ़ोटो डिजाइन कर सकते हो, फोटो क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको फ़ोटो क्रिएट करना सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जाकर उसको देख कर फोटो क्रिएट करना सीख सकते हो। वीडियो नॉलेजबल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना।